और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो के एटम बम का मूवमेंट हुआ है, बहुत बड़ी खबर। स्कॉटलैंड में न्यूक्लियर वॉरहेड्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट है, ब्रिटेन के बर्कशायर से स्कॉटलैंड तक निकले वॉरहेड, ये खबर बहुत चिंताजनक है। और यहां पर 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स से ले जाते दिखा नेटो का मिलिट्री कॉन्वॉय। उसी यूरेशिया टाइम्स की एक और रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि रशिया ने अपने हंटर बक मिसाइल्स को यूक्रेन में तैनात कर दिया है। ये वही मिसाइल्स हैं जिससे MH-17 मलेशियन फ्लाइट जो थी 2014 में शट डाउन की गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ग्लोबल टाइम्स ने बेतुका बयान दिया है। यूएस का साथ देने के बदले 1000 न्यूक्लियर बम मांगे हैं। ये कहा है कि रूस यूक्रेन में अमेरिका का साथ देने के लिए बम दिए जाएं, न्यूक्लियर बम उसको रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध का साथ देने के बदले मांगे गए हैं ये एटम बम। चीनी सरकार का भौंपू है ग्लोबल टाइम्स, और ग्लोबल टाइम्स ने बेतुका बयान दिया है जिसमें कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगर अमेरिका का साथ चीन को देना है तो उसे 1000 न्यूक्लियर बम दिए जाने चाहिए।